दरगाह में लंगर तकसीम न करें, दरिए आसपास के लोग उसमें बैठकर जायरीनों को परेशान न करें। यह ऐलान दरगाह कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। मौजिज लोग दरगाह कार्यालय का सहयोग करें। बाहर से आने वाले सभी जायरीन को इत्तला दी जाती है कि वे अपने मोबाइल, पर्स व सामान की खुद हिफाजत करें। जो जायरीन दान या नजराने का पैसा दरगाह में देना चाहते हैं, वो दरगाह शरीफ में रखी गुल्लकों में ही डालें। अगर दरगाह शरीफ मामूल बंद है, किसी जायरीन से पैसे लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि वे अपने मोबाइल, पर्स व सामान की खुद हिफाजत करें। जो जायरीन दान या नजराने का पैसा दरगाह में देना चाहते हैं, वो दरगाह शरीफ में रखी गुल्लकों में ही डालें। अगर दरगाह शरीफ मामूल बंद है तो दरगाह के सामने बने कार्यालय में पैसा, चादर आदि जमा कर रसीद प्राप्त करें। इंशाल्लाह दरगाह खुलते ही आपकी चादर दरगाह में पेश कर दी जाएगी और इसमें कोई भिखारी या बेचने वाला तथा कोई व्यक्ति दरगाह में किसी
दरगाह की सिदरी जायरीनों के लिए आसपास के लोग उसमें बैठकर जायरीनों को परेशान न करें। यह ऐलान दरगाह कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। मौजूद लोग दरगाह कार्यालय का सहयोग करें। जो जायरीन दान या नजराना में घूमते हैं, दरगाह में लंगर गंदगी न फैलाएं, न करें। खाने का पैसा गंदगी न फैलाएं। दरगाह की सिदरी जायरीनों के लिए आसपास के लोग उसमें बैठकर जायरीनों को परेशान न करें। यह ऐलान दरगाह कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। मौजूद लोग दरगाह में हैं कि वे अपने मोबाइल जो जायरीन दान या नजराने का पैसा दरगाह में देना चाहते हैं, तो दरगाह शरीफ में शरीफ मामूल बंद है, तो दरगाह के साथ दरगाह में पेश कर दी जाएगी। दरगाह कर्मचारी या जो लोग खादिम बनकर दरगाह में घूमते हैं, अगर वे किसी जायरीन से पैसे Thank you.